आपके शहर की पहली तस्वीर देना, स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों यहां से चलते हैं और पूरा मैं आपको यहां का सीन दिखाई दिया। हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को यहां पे दिखाने वाला हूं। आज हम आए हैं जो है दिलदार नगर। यहां पे जो है एक कार्यक्रम जो है रखा गया है, जो कि दिलदार नगर स्टेशन का जो है नया लुक आपको देखने को मिलने वाला है। अभी आप ये देख सकते हैं आसपास, आप लोगों को आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं अंदर जो है कार्यक्रम जो है हो रहा है। और जो दिलदार नगर का स्टेशन है पूरा जो है पूरा जो है चेंज होने वाला है। उसे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है एक रखा गया है प्रोग्राम, जो कि नया जो है पूरा चेंजिंग होने वाला है दिलदार नगर का। अभी आसपास यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है हमारे जो भी पुलिस वगैरह सब लोग आए हैं यहाँ पर, और अंदर भी जो है प्रोग्राम है। मैं जाकर पूरा दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं और बाकी आप मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है स्वागत वेलकम, ये मेन गेट है जो दिलदार नगर का। ये पार्किंग एरिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है सब लोग यहाँ पे आए हैं, और ये जो है पार्किंग एरिया आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जो सीन स्वागत, और बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नया जो कार्यक्रम यहाँ पे प्रोग्राम जो है, धन्यवाद मोदी जी, यहाँ पे कुछ बैनर वगैरह यहाँ पे सब लगाया गया है। दिलदार नगर का रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का विशाल ने क्या है, यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था विस्तृत एवं दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित प्रमुख विशेषताएँ यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं 6 अगस्त 2023। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेशन का लुक है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है। और बाकी यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद मोदी जी, यहाँ पे धन्यवाद किया गया है इनका, जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना, जो कि 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से, धन्यवाद। यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पे जो है किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है आगे जो है कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ लगाया गया है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 508 यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है न्यूज़ में भी आने वाला है, जो कि दिलदार नगर का जो है पूरा का पूरा जो है सीन यहाँ पे जो है चेंज होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ पूरा जो है प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे जो है उद्घाटन जो है हो रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और समाज के विभिन्न और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव रहा, यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना, रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9,00,000 करोड़, इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर का विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो,
कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रहे 50 वंदे भारत सर्विस का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद सूरत ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट की बेस पर भी चर्चा है। इसी कड़ी में पब्लिक पार्टिसिपेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। बाकी जो है आप यहाँ पे देख, मैं आपको दिखाई दिया पूरा जो वीडियो स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में ऊपर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मेट्रो कार बाइक पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सकते, नई अनुबंध स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सकते, हर स्टेशन पर रूट प्लाजा हो जहाँ पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्टमैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। लोकल साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रेवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे माताएं वरिष्ठ नागरिक बांध होते हैं। मैं सबके लिए सोचता लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही इसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहा है वो उसे सुलझा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा, कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की एक कड़वी हकीकत होगी। पहले इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच कर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की कायापलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को, देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति जो की प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशन। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, मैं आपको यहाँ का सीन दिखाई दिया जो कि यहाँ पे जो कार्यक्रम जो रखा गया है चल रहा है दिल्लानगर स्टेशन से अकॉर्डिंग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है लोग यहाँ पर आए हैं, ये है आउटर जो है पार्किंग एरिया है, इस साइड में बहुत सारे पुलिस भी यहाँ पे सब आए मौजूद हैं। और इधर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कार्यक्रम जो रखा गया है और दिल्लानगर का कुछ ऐसा सीन बताया जा रहा है कि होने वाला है। प्लेटफॉर्म दिल्लानगर जंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी यहाँ पे पोस्टर सब यहाँ पे लगाया गया है।
उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। यहाँ पे जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है बहुत जगह, साउथ कोरिया, अभी जो है दिल्ली में जो है आई थिंक ये जो है वायरलेस सिस्टम पता नहीं शायद यहाँ पे किया गया है, समझ नहीं आ रहा। जितना रेल है उससे ज्यादा ट्रैक भारत से अकेले पिछले साल बनाए हैं, एक साल में भारत में। आज ये रेलवे स्टेशन पूरा जो है यहाँ पे प्रोग्राम जो है आपको यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आसपास पूरा शहर की वाइड एंगल में पूरा मैं आपको शूट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है पूरा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है तो दिल्ली नगर स्टेशन हमारे लोग जो है चेंज होने वाले हैं, वही प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, वही प्रोग्राम जो है यहाँ पे हो रहा है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, एक बार मैं आप लोग और बार एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार रहेगा। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की, इससे पूरे इलाके के लोगों कामगारों और कारीगरों फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। अमृतकाल है, देश ने अपनी विरासत गर्व का भी संकल्प लिया, अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बने, हमें गर्व से सुनेंगे। इन स्टेशन में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की। दोस्तों यहां से चलते हैं और पूरा मैं आपको यहां का सीन दिखाई दिया, ये तो लाइव जो है प्रोग्राम यहां पे चलता रहेगा जो है दिल्ली नगर से स्टेशन से रिलेटेड। बाकी यहां पे जो है ताड़ीघाट जो है पैसेंजर यहां पे जा रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं ताड़ीघाट। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से आप लोग कहीं पे इन करते हैं, पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखाई दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा था, तो दोस्तों यहाँ से जो है अब हम लोग यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और इधर जो है मोनू फैजान जो है पानी यहाँ पे पी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और पूरा मैं आपको इधर का सीन मैं आपको जो है दिखा ही दिया, यहाँ पे देख सकें अगर मैं आपको दिखाऊँ आस पास का, तो यहाँ देखा यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए चलते हैं और फील करते हैं और पूरा मैं आपको यहाँ पे सीन दिखाई दिया, यह है पार्किंग एरिया और जो उधर जो है पार्किंग टाइप का उधर जो है बनाया गया है, इसका जो भी हो रहा है। तो गाड़ी हम लोग यहाँ पे जो है पार्क किए हैं, चलिए लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से और जाना है जो है फ़ोटो अगर शूट करना है, वीडियो भी आज हम लोग शूट करेंगे एक अलग ही टाइप का। अभी जो है आगे जो है पार्किंग में जो है गाड़ी हम लोग जो है लगाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी हम लोग की इधर ही है, ये रही हम लोग की गाड़ी। तो गाड़ी निकालते हैं और यहाँ से चलते हैं और
ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कर दीजिएगा।